तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, असलम टेक। तो गाइस, कैसे हो सब? आज के इस वीडियो में मैं एक नई ट्रिक बताऊंगा कि आप अगर पिक्सार्ट एडिटर हो या पिक्सार्ट में आपको बहुत इंटरेस्ट है एडिट करने में, मोबाइल एडिट, तो आप लोगों को ये परेशानी आती है कि अगर आप जब पिक्सार्ट में एडिट करते हो तो आप जब सेव करना चाहते हो तो पिक्सार्ट की जो एडिट है ना, वो जो फोटो है, फोटो की फट क्यों जाती है, बैकग्राउंड या कोने कोने में फट क्यों जाती है। तो इसका सलूशन मैं आप को इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, मैं देर नहीं करके मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो गाइस देखिए, स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं पिक्सार्ट पे जाता हूं। जाने के बाद यहां पे देखिए, एक फोटो जैसे कि एक बैकग्राउंड सेट कर लेता हूं। सेट किया तो यहां पे आप अगर सेव करने जाओगे तो आपका पिक्सल्स फट जाता है, मैं जानता हूँ, मैंने भी एडिट किया है पिक्सार्ट से। तो गाइस, आपको क्या करना है, तो आपको बैग आना है। यहाँ से बैग आने के बाद यहाँ पे देखिए, अपने राइट साइड पे देखिए, यहाँ पे प्रोफाइल, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, सेटिंग से ऊपर पे, ऊपर ऊपर में सेटिंग से उसमें क्लिक करना। करने के बाद यहाँ पे देखिए, मैक्स इमेज साइज, तो इसमें क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, 3 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 6 मेगापिक्सल, 7 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल। आपका डिवाइस लेकर बात है कि आपका डिवाइस में कितना मेगापिक्सल सपोर्ट लेगा। अगर आपका छोटा डिवाइस है तो 6 मेगापिक्सल सपोर्ट लेगा और बड़ा डिवाइस है तो 8 मेगापिक्सल। तो मैं आप सब लोगों का ऐसे लोगों का सेटिंग ये मेगापिक्सल 3 रहता है 4 रहता है, तो आपको ये ठीक कर लेना चाहिए। आपको जाकर यहाँ पे देखिए, आपका जितना भी हाइस्ट आता है 8 मेगापिक्सल है, जैसे कि मेरा, तो आप उस पर 8 मेगापिक्सल पे क्लिक करके रख देना। तो जैसे मैंने किया, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसका फ़ायदा क्या होगा, अब अगर आप फ़ोटो लेते हो, देखिए जैसे कि मैं एक फ़ोटो लेता हूँ, बैकग्राउंड, जैसे कि ये बैकग्राउंड लिया, तो यहाँ पे देखिए, मैं अगर ये फ़ोटो का साइज़ कितना है, यहाँ पे देखिए रिसाइज देखिए, इस फोटो का साइज़ है 794। तो गाइस, इस फोटो का अगर 794 साइज है, तो अगर जो मैं फ़ोटो इसमें ऐड करूँगा, जैसे कि ये फ़ोटो ही ऐड करता हूँ, तो ये फ़ोटो अगर ये मैं ऐड करता हूँ, तो इस फोटो का साइज़ देखिए कितना होगा। तो जैसे कि मैं तो देखिए, उस बैकग्राउंड का था साइज 794 और इस फोटो को मैंने लिया। तो अगर अब मैं इस फोटो का साइज़ देखता हूँ कितना है, रिसाइज में जाना, तो देखिए यहाँ पे 2364। तो गाइस, अगर उस बैकग्राउंड पे ये फ़ोटो आप ऐड करोगे तो आपका फ़ोटो जो है क्यों नहीं फटेगा। देखिए, अगर आप छोटे से पॉकेट में बहुत बड़ा सामान रखते हो तो क्यों नहीं फटेगा, इसलिए आपका फ़ोटो है फट जाता है। ये आपका बैकग्राउंड जो है वो लो क्वालिटी का हो जाता है, लो साइज़ का हो जाता है, जैसे कि 794 ये बैकग्राउंड था और ये फ़ोटो हो जाता है 2364 का। तो अगर आप इस पे डालेंगे, ये फ़ोटो को कट करके आप इस बैकग्राउंड पे डालेंगे तो क्यों नहीं फटेगा। तो गाइज, आपको इस सोल्यूशन में बताऊँगा। तो देखिए, इस बैकग्राउंड को क्या करना है, यहाँ पे देखिए रिसाइज में जाकर इस बैकग्राउंड का देखिए, यहाँ पे आपको जितना हाइट इस बैकग्राउंड का साइज है उतना कर देना है। यहाँ पे देखिए, मैं साइज कितना हाइट जाएगा इसको पता लगाने के लिए सबसे हाइट दबाता हूँ 5000। तो यहाँ पे देखिए, ये नहीं उतना सपोर्ट लेगा, 5000 नहीं लेगा, तो यहाँ पे देखिए आपको रिसाइज बता देगा हाइट कितना लेगा, 2374 इतना ही लेगा, 2374। तो मैंने ए रिसाइज को ले लिया, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 होगा, इससे आइज भी हाइट 3। तो अब देखिए, अब इसका जो है ये हाई क्वालिटी हो गया है। अब वो फ़ोटो आप इसमें डालेंगे तो बिल्कुल भी नहीं फटेगा आपका फ़ोटो है, जैसे आप कट करके आप इस फ़ोटो पे ऐड करोगे, आपका फ़ोटो आप नहीं फटेगा। तो गाइज, यही थी आपके मेरी सिंपल ट्रिक। तो कैसे लगी गाइज ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। हमारी नई चैनल है असलम टेक। आज के लिए बस इतना ही।